फेल की फैमिली, क्योंकि अब से सिर्फ 3 दिनों के बाद क्राउन ज्वेल पेपरव्यू में मेरे और बहुत सारे लोगों के फेवरेट 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का मैच होने जा रहा है सोलो के साथ। इसलिए आज का गेम प्ले भी होगा टीम जॉन सीना वर्सेस टीम सोलो। और गेम प्ले तो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, अगर क्राउन ज्वेल में जॉन सीना को सिंगल्स मैच में हरवाया तो मैं कर भी क्या सकता हूं भाई, मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं रोने के अलावा। लेकिन फिलहाल क्राउन ज्वेल से पहले आज जॉन सीना की टीम सोलो को हराएगी। और फेल आरबी जब तक आज का गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, एकदम फटाफट से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब करो 450K पर Q&A, तो एकदम फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मां कसम स्टार्ट हुआ अभी मैच, डबल रिवर्सल था, सीधा डबल रिवर्सल था, लेकिन कोई बात नहीं, आज का मैच तो भाई टीम सीना जीतेगी, इसीलिए मैं रेड सीना को लेके आया हूं, ये रेड अटायरवल है सीना को, क्योंकि लाल ऐसे भी डेंजर का साइन होता है। ये देख रहे हो एलए नाइट ने भी चड्डी लाल कलर की पहनी है, ऐसे भाई रोमन की पूरी टीम ही लाल है, मतलब ब्लड लाइन, तो वो बात भी है, लेकिन कोई नहीं, जॉन सीना ही आज जीतेंगे। कम से कम सीना 2 एलिमिनेशन तो करेंगे, एटलीस्ट सोलो को एलिमिनेट कर दो ना सीना, तो क्राउन ज्वेल की अपने को प्रेडिक्शन मिल जाए। मैं जान रहा हूँ, देखो मैं सच बताओ, मुझे पता है 99% यकीन है बल्कि कि WWE ना सोलो को पुश देने के लिए जॉन सीना को हरवाएंगे ही हरवाएंगे, मुझे 99.9% यकीन है। लेकिन वो जो 0.1% है ना, उसी की वजह से तो हम लोग मैच देखते हैं कि अभी नए सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए ऐसे भी WWE लेजेंड्स को हरवा रहे हैं, तो जॉन सीना पता है कि हारेंगे, लेकिन अगर जीत गए तो भाई मजा आएगा। ऐसे में क्राउन ज्वेल इस बार लाइव देखने वाला हूं, और बता दिया ना कि क्राउन ज्वेल में अगर एलए नाइट जीत गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जीत गया तो भाई एलए नाइट का लाइव होगा पहली बार 2K23 में स्पेशल, और वो भी न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एलए नाइट का, जो कि मुझे लगता नहीं कि होगा, इसलिए आराम से बैठो। तो सीना ने फाइनली मोमेंटम गेन कर लिया, बस रिवर्स नहीं करना था सोलो, आ जाता ना एक आधे में क्या होता है मेरे भाई। सोलो कल से बहुत अच्छा खेल रहा है, कल के गेम प्ले में भी सोलो की सबने बहुत तारीफ करी है, और सही में अच्छा भी खेला था सोलो ने, लेकिन डेली अच्छा खेलने की ये बुरी आदत मत डालना, क्योंकि ऑलरेडी रोमन डेली अच्छा खेलते हैं, तो सोलो ये बुरी आदत तुम भी मत डाल लेना भाई, दिक्कत हो जाएगी फिर। लो रोमन का नाम लिया, रोमन को टैग मिल गया सीना पागो, क्योंकि रोमन के पास 2 फिनिशर है, सीना का एक ऑलरेडी फिनिशर जा चुका है, डबल टीम अप के लिए खींच के ले जाने की क्या जरूरत है। आई होप 2K24 जब अगले साल मार्च में आए, अब ज्यादा टाइम तो है नहीं, नवंबर भी आ गया भाई, एक महीना और ये साल निकल जाएगा, बस मैं यही चाहता हूँ कि 2K24 में ना ये लोग ड्रैग करना बंद कर दे, कभी कभी कह रहे जब जरूरत रहे तो, लेकिन ऐसे आयरिश व्हिप करना फिर से स्टार्ट कर दे जैसे पहले करते थे। जॉन सीना अभी अच्छा आइडिया यही रहेगा कि टैग दे के थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि बॉडी येल्लो, हेड येल्लो, दोनों येल्लो हो गया है, फर्स्ट एलिमिनेशन अगर टीम कैप्टन का हो गया तो ये चीज बुरा लगेगा, इसलिए अरे रे रे रे, एक एक करके तीनों आ रहे हैं भाई सोलो की टीम की तरफ से, पहले सोलो आया, रोमन आए, अब ड्रू मैकइंटायर भी आ गए, इन तीसरा आदमी आके एलिमिनेट नहीं करते सीना को। सीना का 96 है एलए नाइट पे कॉन्सेंट्रेट, अच्छा ही है, एलए नाइट को मारते रहो, जॉन सीना पीछे से आके फायदा उठाना है, सीना बाहर खड़े होके क्या इंतजार कर रहे हो, सीना मार देख रहे एलए नाइट की, सीना भूल गए कि वो भी इस मैच में फाइट कर रहे, देखने नहीं आए। अच्छा आज के मैच में ये जो 3 मैच छुपे हुए हैं, यानी कि ड्रू वर्सेस सेथ, रोमन वर्सेस एलए नाइट और जॉन सीना वर्सेस सोलो, इन तीनों मैचेस के लिए आप लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शन बताओ। ड्रू का क्लेमोर किक छीन लिया सीना, ये बड़ी अच्छी बात करी आपने, और अब सेथ को भी टैग दे रहे हैं, ये डबल अच्छी बात की, और अब सेथ आके संभालेगा भाई, सेथ चालू रॉलिंस ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, देख लिया ना स्लिंग ब्लेड आते के साथ, और ज्यादा नहीं सेथ चालू रॉलिंस बस एक छोटा सा स्टॉम्प लगा दे तो ड्रू की भी हालत थोड़ी टाइट होगी, सोलो की भी टीम को थोड़ा नुकसान तो होगा ना, अभी तक सोलो की टीम के एक भी मेंबर को एक भी फिनिशर नहीं लगा है, ऐसे तो सामने वाली टीम में भी सिर्फ जॉन सीना ही पिटे हैं, बाकी दोनों अभी तक बचे हुए हैं, एलए नाइट और सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। अच्छा सेथ भी मुझे पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि अब बहुत टाइम हो गया भाई, ड्रू को अब चैंपियन बनना चाहिए, एटलीस्ट एक चैंपियन तो चेंज हो, क्योंकि रोमन तो चेंज होने वाले हैं नहीं 200 साल बाद भी, तो एटलीस्ट सेथ का टाइटल जाए, सेथ बाद में जीत जाना, लेकिन अभी एटलीस्ट कुछ तो हो। अच्छा बैड बनी का ना 2K ने DLC रिलीज किया है, यानी कि बैड बनी जो कि 2K22 में थे उनको अलग से खरीदना पड़ेगा 2K23 में, जबकि 2K23 के लिए मैंने 8,000 रुपये, ज्यादा नहीं 8,000 रुपये दिए थे, जिसमें 3-4 गेम आराम से आ जाते, कोई नॉर्मल गेम, लेकिन 8,000 में 2K23 का एक गेम लिया, और उसमें भी बैड बनी को अब अलग से खरीदने बोल रहे हैं 2K। और आई थिंक कि 2K ना ये ट्राई करके देख रहे हैं कि अलग से हम लोग DLC बेचते हैं तो लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे, तो अगर बैड बनी को बहुत लोग खरीद लेते हैं ना, मुझे लगता है कि 2K नए नए सुपरस्टार्स को या फिर जो पुराने सुपरस्टार्स हैं उनको अपडेट करके बेचना स्टार्ट कर देंगे, जैसे PGMI या फ्री फायर ये सब में नहीं होता बैटल पासेस ये सब, तो 2K भी चालू कर देंगे, तो अच्छा ही रहेगा।
लेकिन बैड बनी को मैं नहीं खरीदने वाला भाई, इतने भी पैसे मेरे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है कि बैड बनी को खरीदूं। हाँ सीना, रोमन, सोलो, ये सब कोई आता अपडेट होकर, डोमिनिक भी, बल्कि डोमिनिक भी अपडेट होकर आएगा तो उसको भी खरीद लिया जाएगा। अगर हाँ 100-150 रुपए का रहेगा तब, उससे ऊपर नहीं। इतना भी डोमिनिक अच्छा नहीं है। एक बात बताओ, सीना ने दोबारा से क्यों टैग ले लिया? सीना जरूरत नहीं थी, अभी रेस्ट करते ना, हेल्थ मेंटेन करते। सीना नहीं, टैग नहीं लेना चाहिए था, पता है गलती कर दी। एलए नाइट को बल्कि टैग देना चाहिए था, सेथ को भी और कोई मिला नहीं। सीना को अभी टीम कैप्टन को रेस्ट करने दो, स्टार्टिंग से तो मार खा ही रहते, बॉडी ऑरेंज, हेड ऑरेंज, सीना एलिमिनेशन की तरफ, ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं मैच में, इसलिए वेपन्स ये सब यूज कर सकते हो। सीना बिल्कुल सही आदमी को चुना है पीटने के लिए, क्राउन ज्वेल का अपोनेंट। अच्छा, ड्रू और सीना दोनों अपने अपने क्राउन ज्वेल के अपोनेंट को मार रहे हैं, और रोमन और एलए नाइट चिल मार रहे भाई, दोनों क्रॉन जोएल के अपोनेंट्स। ये सब जब गेम में होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। सीना अंदर लेके जाओ ड्रू मैकइंटायर को। ड्रू के पास टाइटल आ गया ना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सही रहेगा। मतलब अब देखो क्रॉन जोएल में आई थिंक ड्रू के पास आ सकता है। आप लोग क्या लग रहा है, ड्रू के चांसेस कितने? मुझे तो लग रहा है कि शायद ड्रू के पास टाइटल आ सकता है। तो अभी एक्शन का टाइम है तो सीना पता नहीं स्टाइल मारने बिजी हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा स्टाइल मारना भी जरूरी रहता है। सारा गेम तो WWE में स्टाइल ही का है, जो ज्यादा स्टाइल। अरे रे सोलो, ए रोमन को मार दे की तो ऐसी जरूरत नहीं थी। ड्रू के ऊपर अभी ध्यान देते सीना, ज्यादा अच्छा था। और ड्रू को अब फिनिशर ही लगाना, एक फिनिशर कनेक्ट कर दो एटलीस्ट। अभी तक एक भी लगाया नहीं ना, एक ए लगाया था वो भी डबल रिवर्स कर दिया था सोलो ने। सीना के पास दो फिनिशर, एक सिग्नेचर। या तो सीना ए से स्टार्ट करो, या फिर मैं बोलता हूँ कि एलए नाइट को अब टैग दे दो, क्योंकि एलए नाइट की भी फुल हेल्थ है, प्लस एलए नाइट के पास जो लो ब्लो है वो भी वो यूज कर सकता है, क्योंकि DQ है नहीं मैच में, यानी डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं। बस मुझे क्रॉस ज्वेल में ये देखना है कि रोमन के मैच में कितने सारे ट्विस्ट आएंगे। ओके, सीना ने कर दिया, आई कांट मूव थीव, 3-2-1, क्लेमोर किक रिवर्स मत करना ड्रू। ड्रू ने अभी तक एक भी क्लेमोर किक दिया नहीं था, उल्टा सीना ने दे दिया, वाह ये भी सही है। सोलो के सामने पिनफॉल हो रहा था, वो तो अच्छा हुआ कि ड्रू मैकइंटायर उतना मार नहीं खाए थे, वरना सोलो के सामने पिनफॉल होते होते बचा है। सीना गलत आदमी को ए मत देना, अगर ए देना ही है तो ड्रू को तो बैक टू बैक दो फिनिशर लगेगा, ड्रू डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे। सोलो की टीम को एक झटका पड़ेगा भाई, ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेट। सीना स्टाइल नहीं, 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 सीना 2+2=4 होता है। अभी जब मार देगा टाइम है तो सीना पता नहीं क्या मोमेंटम गेन करने लगे। अच्छा है सीना, लेकिन उठा के ए लगा दो। हाँ हाँ हम लोग समझ गए सीना ही जीतेंगे, लेकिन सीना पहले ए तो लगाओ, या STF भी लगा सकते हो, STF भी ज्यादा सही रहेगा मुझे लगता है। सीना ने आधे ज्यादा काम कर दिया, ड्रू को अच्छा खासा पीट दिया है। एलए नाइट को अब टैग दे ही दो, पूरा मैच खत्म हो जाएगा एलए नाइट को टैग। एलए नाइट इतना फुल हेल्थ लेके रखा हुआ है, राइजिंग स्टार है फिलहाल। अगर गलती से एलए नाइट जीत गया अनडिस्प्यूटेड टाइटल, ऐसे भी देखो फ्यूचर में कभी ना कभी तो जीतना ही है जिस टाइप का मोमेंटम है एलए नाइट का, लेकिन अगर क्राउन ज्वेल में जीत गया ओके, फिलहाल वहां का तो नहीं पता। यहां समोन स्पाइक लगा दिया है सोलो ने, सोलो बहुत अच्छा खेल रहा है कल से, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, कोई नया अपडेट आया है शायद, तो सोलो कल से कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा है। आज भी फुल ऑन डोमिनेशन मोड ऑन है सोलो का। अजय कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ कि एलए नाइट अगर जीत गया अनडिस्प्यूटेड टाइटल तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। ये कोई मत बोलना कि WWE देखना छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। वो आप लोग देखोगी कि रोमन दोबारा कब से जीतेंगे, अगर अगर इनकेस हार गए रोमन तो, क्योंकि वो आदमी हमेशा सोचता है कि देखना छोड़ देगा अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कभी देखना छोड़ता नहीं है। बोलो आई थिंक एक और समोन स्पाइक, ओके एलए नाइट फर्स्ट एलिमिनेशन सीना की टीम में से हो गया। बताओ पूरे मैच में एलए नाइट ने कुछ नहीं किया था और आया और इतनी जल्दी एलिमिनेट कर दिया सोलो ने। बहुत जबरदस्त, सोलो अच्छा खेल रहा है, कल भी मैंने बोला था सीना को टैग पति दो, सोलो अभी फुल ऑन जोश में है और जिस टाइप का जोश दिखा रहा है भाई, एक और एलिमिनेशन कर सकता है। सोलो क्या, सोलो अपने घर, अरे रे रे रे, सीना सोलो को एलिमिनेट कर देते ना मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाती, भले उसके बाद हार भी जाते। सीना गलत आदमी को ए, लेकिन ठीक है चलो, ड्रू मैकइंटायर को वीक कर दिया ए देकर, लेकिन रोमन की हेल्थ भाई साहब, आराम से मजे ले रहे रोमन इस मैच के, जानते कि सोलो तो है ही फिलहाल, जब सोलो हार वार जाएगा तब रोमन आएंगे। अच्छा है रोमन, रेस्ट करो। सोलो ने अपना सिग्नेचर दे दिया, समोन ड्रॉप सीना, लेकिन अभी बचे, ये फिनिशर लग गया, सीना गए, सीना ये रिवर्स करना होगा, डबल रिवर्सल है सीना, प्लीज 96 ओवरऑल सीना नहीं जा चुके, जॉन सीना टीम कैप्टन एलिमिनेट हो गए, और अब एक ही आदमी बचा है सेट चालू रॉलिंस। आई थिंक सेट ने भी एक एलिमिनेशन कर दिया है भाई, बैक टू बैक कुछ ज्यादा एलिमिनेशन नहीं हो रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज है भाई असली वाला। ओके, और सेट ने एक फिनिशर भी छीन लिया है, बढ़िया सर, जो बैक टू बैक तीन एलिमिनेशन हुआ है, लेकिन अभी भी सेट के सामने बहुत तगड़ा चैलेंज है, 2-on-1 मैच है, और सेट मुझे लगता है कि गिलिटीन देने जा रहे हैं।
रोमन के पास जो एक फिनिशर था वो भी सेठ ने छीन लिया। सेठ ने कर दिया कांड भाई, क्या दो दो एलिमिनेशन और कर पाएंगे तो आज सेठ 1v3 बहुत दिन के बाद देखने मिलेगा। रोमन को एलिमिनेट करना ना सेठ के लिए मुश्किल होगा क्योंकि ड्रू तो ऑलरेडी पिट चुके हैं, तीन फिनिशर, दो या तीन फिनिशर ड्रू को लग ही चुका है, तो एक सिग्नेचर भी लगा दिया तो ड्रू एलिमिनेट हो जाएंगे। पर हाँ, रोमन को एलिमिनेट करना मुश्किल, सेठ देते ना अच्छा मौका मिल गया था, रोमन कॉर्नर में थे, फिनिशर के लिए जा सकते थे। सेठ सेठ क्या करो, अरे रिंग का चक्कर लगा रहे, सेठ जीतना है कि नहीं जीतना है, देखो क्या करने लगे। रोमन को मौका देने का मतलब है क्या भाई, सुपरमैन पंच पड़ेगा। अच्छा रोमन टैग देने जा रहे हैं, चलो सेठ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ड्रू मैकइंटायर को एलिमिनेट करके 1-on-1 मैच को बना सकते थे। फ्यूचर शॉक डीडीटी, ड्रू ने अपना सिग्नेचर लगा दिया है, सेठ के पास रेजिलेंस मीटर नहीं है, किक आउट कर दिया, बच गए सेठ लेकिन अब पिट भी गए। अगर ये 3-2-1 कनेक्ट यानी कि क्लेमोर अगर कनेक्ट हो गया तो सेठ का टाटा बाय बाय गुड बाय, मैच यहीं पर खत्म। सेठ रिवर्स करना था, बहुत बढ़िया सेठ। ये सोलो के साथ साथ सेठ फ्रीकिंग रॉलिंस भी आजकल फुल फॉर्म में आ गया है, अभी एक दो दिन पहले भी सेठ ने बहुत अच्छा खेला था और आज उस वीडियो के बाद आज यहाँ है तो आज भी सेठ की परफॉर्मेंस तगड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि रोमन को टक्कर देंगे भाई सेठ। लेकिन उससे पहले ड्रू को एलिमिनेट करना होगा ना, और मैं चाह ही रहा हूँ कि 1v1 हो जाए रोमन वर्सेस सेठ, मजा आएगा। जब इतना अच्छा मैच जाते रहता है ना तब मनुष्यत क्या होती है पता है, डबल काउंट आउट, तो आज मत होना ऐसा प्लीज। सेठ अंदर लेके आओ, ज्यादा वेट नहीं करने का, स्टील स्टेप्स की जरूरत थी नहीं, चेयर भी काफी था लेकिन ठीक है चलो अपनी अपनी मर्जी। स्टील स्टेप्स से क्या, सेठ फिनिशर के लिए जाना है, सेठ फाल्कन एरो के लिए जा रहे थे क्योंकि ड्रू ने रिवर्स कर दिया है। सेठ ऐसे मूव्स क्यों मार रहे हो, वो भी ऐसे टाइम पर, 2-on-1 का मैच है पता है ना, तो जीतना ऑलरेडी मुश्किल है, तो ऐसे मूव्स यूज ही मत करो जिसमें डबल रिवर्सल है। इस बार सेठ को कूदना चाहिए था क्योंकि ड्रू एक बार कूद चुके हैं तो सेठ डाइव मार दे तो मजा आता, लेकिन कोई नहीं सेठ, सेठ फिर अंदर लेके आ रहे हो। चेयर वेयर मत उठाना, भले ही ये मैच नो डीक्यू लेकिन अभी कोई सामान की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी फिनिशर है, वो देने का ट्राई करो सेठ, पक्का ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेट हो जाएंगे। बस ये वाला कनेक्ट करना है सेठ, इस कॉर्नर में ले जाके स्टॉर्म के लिए दौड़ेंगे और इसमें डबल रिवर्सल नहीं, ये एक बार कनेक्ट हो गया यानी कनेक्ट हो गया। ड्रू का टाटा, रोमन वर्सेस सेठ, अरे ये लेकिन फेयर नहीं है पता है, कोई कोई लोग 3-4 फिनिशर खा के सर्वाइव कर आते हैं। ड्रू को ये आई थिंक ये तीसरा फिनिशर तो लगा ही था, एक एसीना ने लगाया, एक क्लेमोर के एक अपना ही मूव लगा था और एक अभी स्टॉम्प लग गया, तो तीन फिनिशर के बाद भी ड्रू सर्वाइव कर गए, रेजिलेंस तक गई नहीं है। सेठ इस अगर डोमिनेशन मोड को ऑन करके रखो तो शील्ड के दो मेंबर्स रोमन वर्सेस सेठ का मैच हो सकता है, बस इस डोमिनेशन को बरकरार रखना है, पिनफॉल मत करवा लेना सेठ, अभी नहीं होगा, ऐसे भी बॉडी येलो, हेड येलो है। सेठ भी उतना मार नहीं खाए, सिर्फ एक ही सिग्नेचर तो लगा था, तो सेठ भी आई थिंक थोड़ा देर तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। सही, बस रिवर्स करना, हो ड्रू अपनी पावर दिखा रहे हैं, सही है ड्रू, तो ड्रू ने तो अपनी पावर दिखा दी। फेल आर्मी आप लोग भी अपनी पावर दिखाओ, एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक करो, और फिर से बोल रहा हूँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई एकदम फटाक से कर लो, 450 की पर एक मजेदार Q&A प्लान करके रखा हुआ है। ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेट हो गए, रोमन वर्सेस सेठ, रोमन को क्या हो गया अटक गए होता है कभी कभी होता है लेकिन ठीक है, रोमन की किस्मत खराब हो गई, आज सेठ 1v3 कर सकते हैं क्योंकि रोमन की किस्मत भी थोड़ी सी खराब हो गई, रोमन की बॉडी येल्लो, हेड येल्लो, रोमन को ऑलरेडी एक फिनिशर लग चुका है, दूसरे फिनिशर के लिए जा रहे हैं सेठ, 1v3 करके सीना की टीम को जिताने वाले हैं, टीम सीना जीत कितने कर रे 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 रे। रोमन ने रिवर्स कर दिया, सेठ ने भी रिवर्स कर दिया है, बैक टू बैक रिवर्सल चल रहा है। तो सिक्स मैन एलिमिनेशन मैच में जब लास्ट में रोमन और सेठ बचे तो कुछ ना कुछ अपने को खतरनाक देखने मिलेगा, और अभी फिलहाल सेठ के पास फिनिशर है, ये फिनिशर कनेक्ट, ये दूसरी बार कोशिश की सेठ ने लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ है, पर लगता है कि सेठ ने भी ठान ली कि भाई आज तो 1v3 करके रहेंगे ना, दोनों के पास एक एक फिनिशर है, अब जिसने भी अपना फिनिशर पहले लगा दिया, नॉर्मल फेस लॉक से तो कुछ होगा नहीं, अब बस अपना फिनिशर लगाना है जिसने पहले लगाया। रोमन अपना डिस्टेंस नाप रहे स्पीयर लगाने के लिए ना, या गिलिटिन लगाओगे रोमन, करना क्या, अरे रे 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 रोमन, नो डीक्यू मैच है मैं जान रहा हूँ लेकिन वेपन लाने की जरूरत थी नहीं, अगर स्पीयर के लिए जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। इस चक्कर में सेठ को अपर हैंड मिल गया, सेठ जीत सकते हैं, इतने टाइम के बाद कोई 1v3 करेगा, चेयर के ऊपर स्टॉर्म देने का प्लान ना भाई, स्टॉर्म का, अरे दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं ना, सेठ स्टॉर्म देने जा रहे थे, भजा के पिनफॉल कर लिया, अब रोमन के पास एडवांटेज है, रोमन को ज्यादा कुछ नहीं करना है, उठते के साथ स्पीयर लगाना है, रोमन जीत जाएंगे अपनी टीम को यानी टीम सोलो को जितवा देंगे, और सेठ को भी बस उतना ही है, अगर सेठ ने अपना फिनिशर लगा दिया जो कि अब लगता नहीं कि रोमन लगाने देंगे। सेठ एक तूफान आ रहा है, स्पीयर नाम का रिवर्स कर दिया, इस तूफान का रुख मोड़ दिया है
पिनफॉल करवाना अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी। रोमन का पिनफॉल होगा नहीं, ऑलमोस्ट लगा था कि पिनफॉल हो गया, पता है मुझे लगा भाई साहब कैसे हो गया पिनफॉल, लेकिन सही था। इस मैच में जो भी वेपन्स लेने जा रहा है ना वो पक्का पीट रहा है। ये देखो ये तो आने से पहले ही पीट गया सर, सर वेपन लाने का मौका तक नहीं दिया रोमन ने। रोमन क्या कर रहे हैं, ओके रोमन खड़े होकर स्टाइल मार रहे हैं, बुला रहे हैं सेठ को कि आ जाओ हारने के लिए। सेठ 1v3 याद रखना, बहुत दिनों के बाद आज कोई करने वाला है, वो भी रोमन की टीम के साथ। रोमन तो कर ही देते हैं 1v3, लेकिन रोमन की टीम के साथ बहुत दिन के बाद कोई करेगा 1v3। तैयार हो सेठ इस चीज के लिए, बहुत ही मतलब आज तारीफ हो जाएगी। बस 1v3 करने के लिए एक रोमन को एलिमिनेट करना है। तो सेठ के पास फिलहाल दो फिनिशर, एक सिग्नेचर, बस एक फिनिशर कनेक्ट करना है, शायद जीत जाए। कंफर्म तो नहीं है लेकिन ट्राई करो। ओके सेठ ने पेडिग्री लगा दिया, इसके बाद जीतेंगे तो नहीं, लेकिन रोमन की रेजिलेंसी जा सकती थी, पर सेठ ने पिनफॉल नहीं किया। सेठ पिनफॉल करके देखते स्टॉर्म के लिए, अरे रे 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 सेठ चेयर यूज करने का बहुत गलत टाइम चुना था। रोमन का मैच हो और रेफरी ना गिरे, मैच अब रियल लाइफ की तरह बनते जा रहा है, बस ब्लड लाइन के आने की कमी रह गई है। कोई ब्लड लाइन का मेंबर आ रहा है, नहीं कोई नहीं आ रहा है, लेकिन रेफरी जब जब गिरता है रोमन के मैच में, यानी कि रिजल्ट आप लोग जान रहे हो कि क्या होने वाला है। रोमन मारने लगते अपने अपोनेंट को और जीत की तैयारी करने लगते हैं। जी ये नहीं समझ में आया कि रेफरी गिरी कैसे, रोमन ने तो सिर्फ उछल के क्लोज लाइन मारा था, ये क्लियर नहीं है। रोमन के पैर से टकरा गए क्या रेफरी, ऐसा कब से होने लगा गेम में। तो सेठ के पास तीन तीन फिनिशर है और रोमन के पास सिर्फ एक सिग्नेचर। सेठ को जीतने के लिए एटलीस्ट दो फिनिशर शायद लगेंगे, लेकिन ट्राई तो स्टार्ट तो करो सेठ। सुपरमैन पंच, गेम खत्म, सेठ जीतो मैच, सुपरमैन पंच से हार गए सेठ फ्रिकिंग रॉलिंस। Solo Sikoa, Roman Reigns, and Drew McIntyre. तो रोमन तो हमेशा ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन सेठ ने आज बहुत अच्छा खेला। तो चलो फिर आरवी, मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, सेफ रहो, और भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना। टाटा।